लोकसभा चुनाव के लिए आज बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण में वोटिंग हो रही है। आज के चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और 1717 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है। तो वहीं AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद से उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने पहले वोट डाला और उसके बाद मीडिया से बातचीत में सरकार से क्या सवाल किए, सुनिए। इस मुल्क के युवाओं को, जो इस देश की आबादी का 50% हिस्सा है, जो हमारे देश का मुस्तकबिल है और जिनके कंधों पर इस देश को चलाने की जिम्मेदारी आएगी, मोदी सरकार ने जब अग्निवीर की स्कीम आर्मी में ला ली और 4 साल के बाद आपको निकल जाना पड़ता है, वैसा ही ये करेंगे CRPF में, BSF में, RPF में, SSB में। तो ये आपको समझने की जरूरत है और वही आर्गुमेंट देंगे, आपके हाथ में 20 लाख आ जाएंगे, आप वो कर लीजिए। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। रेलवेज में भी करेंगे नहीं करेंगे, और RPF में तो करेंगे। सो व्हाट्स योर टेक ऑन द इंडिया ब्लॉक अलायंस? I am not part of it, so I cannot comment on it. लेकिन आप समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए इशारा किया है आपने। 75 साल की उम्र जी, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायर किया जाएगा, उनकी जगह अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, आम आदमी पार्टी का आरोप है, इसके ऊपर आप कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे? नहीं मालूम मैं कैसा रिएक्ट करूंगा उस पर, वो तो एक पार्टी का है। बट जब उनकी पार्टी ने खुद ये कहा था कि मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, अब नहीं मालूम नरेंद्र मोदी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। जीतेंगे या नहीं जीतने पर भी वो मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं मालूम। तो ये तो उन्होंने तो अपने पार्टी के लीडर्स को किया है, बट ये उनकी पार्टी का फैसला है, मैं उस पर तबसरा नहीं करूंगा। मोटे को पतले को वोट करो, क्या इशारा है? क्या ये सीक्रेट आपके साथ जो कांग्रेस के साथ साझेदारी हो रही है, क्या हो रहा है? आपने आखिरी दिन आप लोग देखिए, ये कोई एक क्या बोलना चाहिए कि एक इस तरह का रिमार्क नहीं है ये। नहीं आप सुन तो लीजिए, हम ये कह रहे हैं कि मोटे को वोट दीजिए, दुबले को वोट दीजिए, हम ये कह रहे हैं कि जिसके बाल सफेद है उनको वोट दीजिए। इसमें बुरी बात क्या है? बीजेपी वाले इतने नाराज क्यों हो गए उस पर? नहीं, बीजेपी वाले तो क्या बोलते हैं, ट्रॉल करना शुरू कर दिए ओसी। अरे भाई सब चीज है ना भाई, आप अपने लीडर को बोलते 56 इंच का, हम बोल रहे मोटा है, मोटे को कामयाब करो, हम बोल रहे दुबले को कामयाब करो, जिसके बाल सफेद है उनको कामयाब करो। तो इसमें बुरी बात कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका नाम भरे पॉसिबल है 400 पार। देखिए 400 पार का जो नारा मोदी ने दिया, भारत के दलित और जो संविधान से मोहब्बत करते हुए समझ गए कि ये 400 पार का मतलब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान गया, आरक्षण गया या बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा, आर्टिकल 29-30 गायब, तो ये मैसेज जा चुका है।